ना पूछो जमाने से कि क्या कहानी हमारी, हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। स्ट्रीट बस की ओर से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 75वां गणतंत्र दिवस है। पूरे भारत में इसे बखूबी मनाया जा रहा है। युवाओं में जोश और जज्बा दिख रहा है। आज के दिन क्या बड़े हों क्या बच्चे हों, सभी आज के इस दिन को बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं और अपने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। पूरे देश में आज तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। सुबह से हर जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के निमित्त रांची के अल्बर्टेका चौक में भी आज एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं स्ट्रीट बस के कैमरे पर कि यहाँ बच्चों की जो है पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर छोटे मोटे नर जो है यहाँ पर काफ़ी वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष आज के दिन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा शक्ति समिति जो है यहाँ पर शहीदों को, शहीद के परिवारों को आज के दिन सम्मान देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में नज़र आ रही है। लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और अब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष सर। यहाँ पर ये आज का जो कार्यक्रम है, आज किन किन कार्यक्रम का आयोजन किया है? देखिए, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, राष्ट्रीय युवा शक्ति रांची के हृदय स्थल परमवीर अल्बर्टेका चौक में भव्य आयोजन करती है। आप देख रहे होंगे शहीद चौक से लेकर परमवीर अल्बर्टेका चौक होते हुए सर्जना चौक तक राष्ट्रीय ध्वज से, अमर शहीद का कटआउट से, तिरंगे कलर का बैलून से हम लोग उसको सजाएं। और उसके बाद इस स्थान पे अमर शहीद की पत्नी के हाथों से, शहीद प्रकाश गोप की पत्नी बेबी के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन हुआ। अभी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पेंटिंग प्रतियोगिता चल रहा है। उसके बाद देशभक्ति गीतों में आपको झांकी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डांस, देशभक्ति गानों पे अलग अलग कार्यक्रम करने को मिलेगा। और शाम में एक दीप अमर शहीद के नाम हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है, आज हमारा नौजवान कहीं और भटकाव की ओर है, नशा की ओर है, ऐसे नौजवानों में देशभक्ति की भावना को जागृत कराना, यह राष्ट्रीय युवा शक्ति का प्रयास है। और राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयास करते आ रही है। ये कितने वर्षों से हो रहे हैं? देखिए, 2013 में हम लोग इसकी शुरुआत किए थे और आज राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ध्वजमय हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील किया कि हर लोग अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। ये हमारा शुरू से मुहिम था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मुहिम को, उस हमारा जो सपना था, उस सपना को पूरा किया है। आप लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान तिरंगे में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जैसा कि आपने सुना राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव जी को, इनका कहना है कि राष्ट्रीय युवा शक्ति जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में देश के प्रति जागरूकता जगाना चाहती है, युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना चाहती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह भी उद्देश्य है कि जो जितने भी शहीद जवान हैं या उनके परिवार हैं, उनको भी सम्मान मिले। और इसी तरह हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्ट्रीट बस के साथ और जोश से मनाइएगा गणतंत्रता दिवस। मैं आरुषि राय अपने सहयोगी जयंत के साथ, नमस्कार।